तो जैसा कि आपको कहा गया है कि इन दो पॉइंट से होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन बताइए, है ना। तो हमने कहा कि चलिए दो पॉइंट से तो यूनिक लाइन जाती है, ये तय है, उसकी इक्वेशन कैसे बताया जाए। हमने कहा चलिए इस पे एक जनरल पॉइंट है पी जो इसके बाकी सारे पॉइंट्स को सर्व करता है, इंक्लूडिंग दीज टू पॉइंट्स आल्सो, है ना। तो एक्स वाई सारे पॉइंट को सर्व करता है, दैट इज अ जनरल पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट साफ साफ दिख रहा है कि एक ही लाइन पे हैं, इनसे ट्रायंगल तो बनने वाला नहीं है क्योंकि ये कोलिनियर हो गए, और अगर कोलिनियर हो गए तो हम अपरेंटली कह सकते हैं कि इनसे ट्रायंगल बनेगा मगर एरिया जीरो होगी, है ना। मतलब दीज पॉइंट्स कोलिनियरिटी की हम लोग कंडीशन लगा दिए, सिंस पॉइंट्स से इसका नाम ए दे दिए, बी दे दिया ना, ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर, देयरफोर जो एरिया होगी दैट इज जीरो। लेकिन एरिया होती क्या है, वन बाय टू टाइम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन और एक्स थ्री वाई थ्री वन होती है, ये जीरो होगा। इस टू का काम है नहीं, अगले स्टेप में आप लिख दीजिएगा, हम यही लिख दे रहे हैं, वन बाय टू उधर मल्टीप्लाई कर दिया वो जीरो हो गया, ठीक है। अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं, सपोज ये एक्स वन हो गया, ये वाई वन हो गया, ये एक्स टू हो गया, वाई टू हो गया, इट बिकम एक्स थ्री एंड वाई थ्री, वैल्यू प्लेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इंप्लाइज थ्री वन वन नाइन थ्री वन, फिर क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। आप एक्सपेंड कर दोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन चूंकि डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी है तो वो अप्लाई भी कर दीजिए। देखिए अगर थ्री टाइम्स हम आर वन का करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो ये एंट्री और ये एंट्री दोनों जीरो हो रही है ना, ये आपको ऑब्जर्व होना चाहिए। तो क्या करें हम लोग, आर टू इम्प्लाइज, है ना, आर टू ट्रांसफॉर्म हो रहा है आर टू माइनस थ्री आर वन, ठीक है, एंड द डिटर्मिनेंट बिकम, पहली तो ऐसे ही रहेगी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा, लेकिन यहाँ जीरो जीरो और माइनस थ्री प्लस वन तो माइनस टू आ गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई और वन, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगा नहीं था। अब इसे एक्सपेंड कर दीजिए, है ना, किसके अबाउट, आर टू के अबाउट, तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेंडिंग अबाउट आर टू, क्या हो जाएगा आपका माइनस टू टाइम्स, ठीक है, ये रो कौन सी है यहाँ पे, दैट इज सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो माइनस वन की पावर सेकेंड रो और प्लस थर्ड कॉलम टाइम्स, माइनर क्या हो जाएगा इसका, कॉलम बंद रो बंद जिसमें ये एंट्री पड़ी हुई है, तो क्या बचा थ्री एक्स और वन वाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए दैट इज इक्वल टू जीरो है, तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, है ना, इस साइड में ले आके डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा आपके पास थ्री वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो आ गई आपके पास लीनियर इक्वेशन, दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज योर आंसर।